और जो काम उन्होंने शुरू किए थे उनको हमने कंटिन्यू करना है और अगले जो वज़ीर-ए-आज़म आएंगे उनके हवाले करना है और इंशाल्लाह पार्टी तमाम मंसूबे भी मुकम्मल करेगी, जो तरजीहात मुकर्रर की उनको पूरा करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मईशत को मजबूत करेगी, मसाइल उनको हल करेगी। पहले ये भी बात की कि दो तीन लोग हैं कंसेंसस से नाम जो है वो कंसेंसस डेवलप हुआ और आपके नाम से सबसे इत्तेफाक राय है। दो तीन लोग नहीं थे, ये पार्टी की लीडरशिप ने फैसला किया है और सबसे जो खुशाइंद बात या जो जमहूरियत की मजबूती नजर आई है कि कोई उम्मीदवार नहीं था तो पार्टी ने फैसला किया और फिर अमल दरामद हुआ और आप देख लें कि आज हर एमएलए यहां मौजूद है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पार्टी में दराज नहीं है, पाकिस्तान की आवाम ने इस फैसले को कबूल नहीं किया, हमने डिमांड कर दिया लेकिन तारीख भी इंशाल्लाह इस फैसले को कबूल नहीं करेगी। नामजद वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करेंगे और